रामपुर नैकिन थाना के पुलिस चौकी खड्डी अंतर्गत धनहा गांव में चार अज्ञात आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में एक वृद्ध महिला और उसकी नातिन थी, जिन्हें बंधक बनाकर चाकू से मारने की धमकी देकर घटना को अंजाम दिया गया। यद्यपि पुलिस बंधक बनाने की घटना को इनकार कर रही है, ये घटना गुरुवार की रात्रि करीब 3 बजे के बाद की है। बताया गया कि धनहा गांव निवासी शिवशंकर गुप्ता पिता राम दुलारे गुप्ता सतना गया हुआ था। घर में उसकी माँ और 16 वर्षीय लड़की रोशनी गुप्ता थी। रोशनी रात करीब 2 बजे तक टीवी देख रही थी, इसके बाद वो सो गई। सोने के बाद चार आरोपी घर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए, जिसकी आवाज सुनकर सो रही दादी और नातिन जाग गए, जिस पर चोरों ने चाकू दिखाकर रोशनी को बंधक बना लिया। घर के अंदर पेटी में रखी सामग्री को लेने के बाद चोर रफू चक्कर हो गए। मुंह में नकाब लगे होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई। सुबह होने पर खड्डी चौकी में शिकायत की गई। मामले की जानकारी होने पर चोरहट SDOP व रामपुर नैकिन नगर निरीक्षक अशोक पांडे स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, किंतु आरोपियों की किसी तरह की पतासाजी नहीं हो पाई। खड्डी चौकी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भादवी की धारा 380-458 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। वहीं चौकी प्रभारी ने बताया कि करीब 20,000 रुपए कीमत की सामग्री की चोरी की गई है, जबकि चर्चा है कि शिव शंकर गुप्ता अपनी पुत्री रोशनी गुप्ता की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसने लड़की को देने के लिए चांदी के कुछ आभूषण बनवा कर रखे थे, जिसे भी चोरों ने पार कर दिया। तो वहीं पूरे मामले में खड्डी चौकी प्रभारी भूपेश बैस का कहना है कि धनहा गांव में एक घर में घुसकर चार आरोपियों ने चाकू से डरा धमका कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों के चेहरे पर नकाब लगे होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? शिव शंकर गुप्ता। कहाँ से हैं? धनहा। क्या हुआ था बीती रात में? बीती रात में हुआ था कि हम लोग सतना चले गए थे, वहाँ से यहाँ लड़की और माँ मेरी थी, तो इन्होंने सुना घर पा करके 5-6 लोग यहाँ छांदी से चढ़ करके अंदर गए और वहाँ माता पड़ी थी दरवाजे में, तो उनका गला छीना, गले में पहनी थी लाकेट उसको लिए और हाथ में चांदी की चूड़ी पहनी थी उसको तोड़े और उसके बाद उसका नट गला दबाने की कोशिश की। जब इधर उधर का बकबका करके अकबकाई करके उठी तो बोली कि बिट्टी ऐसा रखी, इसने बिट्टी वहाँ से आई तो उनको पकड़ के और वो क्या किए कि गले वो हाँ पैर बांध दिए, मुंह कपड़ा डाल के और अपना सिर ढाकिन थे बदमाश लोग, इसके बाद ऊपर चले गए अटारी में और वहाँ से फटाफट वाजा वाजा उठाए और सोना चांदी जो उठ इनका लिए और निकल गए। कितने आदमी थे वो? लगभग 6 आदमी बता रहे थे। क्या क्या औजार लेके रखे थे? औजार उन्होंने धार तेज धार चाकू रखे थे और जेब में जो कुछ लिए और नहीं देखे दारू चाकू का जानकारी है, चाकू रखे थे। और पुलिस का क्या कहना है आप? पुलिस तो उसमें जांच पड़ताल में लगी है, TI साहब आए थे और दरोगा साहब आए थे। टाइम 8 के लिए रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।